अरविंद ओझा ने ही बातचीत की थी अतीक अहमद की बहन से, जिन्होंने ये आशंका जताई कि अतीक का एनकाउंटर हो सकता है। इसी डर इसी खौफ के चलते परिवार की भी गाड़ी इस काफिले के साथ चल रही है। आप राजस्थान से चली है पीछे पीछे, क्या वजह थी? आज तक पर आप लाइव है बताएं। अरे हमारे परिवार के हमारे बड़े भाई हैं तो हम साथ में चल रहे हैं। उनका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, वो रोड से लाने लायक कंडीशन उनकी नहीं थी, अब रोड से ला रहे हैं। अतीक अहमद ने जेल से बाहर निकलते आशंका जताई कि मुझे मार देंगे, मेरा एनकाउंटर कर देंगे। जी बिल्कुल, हमने भी देखा वो उनकी। अच्छा जी, उस पर आपको क्या कहना है? अब जो उन्होंने कहा सही कहा है। आपको क्या लगता है? जो उन्होंने कहा सही कहा है बिल्कुल। तो आपको लगता है कि एनकाउंटर हो सकता है? बिल्कुल, हमने प्रेस में भी ये बात कहा था। अशरफ को भी ला रहे हैं, भाई साहब को भी ला रहे हैं। तो आप राजस्थान से चली है पीछे पीछे, क्या वजह थी? आज तक पर आप लाइव है बताएं। अरे हमारे परिवार के हमारे बड़े भाई हैं तो हम साथ में चल रहे हैं। उनका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, वो रोड से लाने लायक कंडीशन उनकी नहीं थी, अब रोड से ला रहे हैं। अतीक अहमद ने जेल से बाहर निकलते आशंका जताई कि मुझे मार देंगे, मेरा एनकाउंटर कर देंगे। जी बिल्कुल, हमने भी देखा वो उनकी। अच्छा जी, उस पर आपको क्या कहना है? अब जो उन्होंने कहा सही कहा है। आपको क्या लगता है? जो उन्होंने कहा सही कहा है बिल्कुल। तो आपको लगता है कि एनकाउंटर हो सकता है? बिल्कुल, हमने प्रेस में भी ये बात कहा था। अशरफ को भी ला रहे हैं, भाई साहब को भी ला रहे हैं। रवीश भी हमारे साथ मौजूद है, अरविंद ओझा भी हमारे साथ मौजूद है, और उस काफिले के पीछे आज तक की टीम चल रही है। नेहा, रात से ही हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, जब से पूरी रात जो है वो कवरेज हमने दिखाई। कल शाम 6:45 बजे अतीक को साबरमती जेल से निकाला गया और प्रयागराज अभी ले जाया जा रहा है। तकरीबन 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। अरविंद और रवीश लगातार मौजूद है। रवीश, इस केस में उमेश पाल अपहरण केस, जिसमें फैसला आना 28 तारीख को और 11 बजे इसकी पेशी, और इसीलिए इसको साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा है, इस केस में क्या दिख रहा है, क्या फैसला आ सकता है? क्योंकि ठीक है, गाड़ी पलटने का डर अब उसको नहीं लग रहा अतीक को, लेकिन डर तो ये होना चाहिए कि मैक्सिमम सजा उम्र कैद की और फांसी की है। देखिए, इसमें फांसी की सजा हो सकती है, इसके तो बेहद कम ही आसार हैं। उम्र कैद की सजा जरूर हो सकती है, क्योंकि कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर अपराध माना था। क्योंकि देखिए, होस्टाइल हो गया था उमेश पाल, और उसने साल भर के बाद जब उसका अपहरण हुआ था उसके एक साल बाद ये FIR दर्ज करवाई थी, क्योंकि उनका आरोप था कि क्योंकि संरक्षण प्राप्त था अतीक अहमद को काफी ज्यादा राजनीतिक रूप से, तो कहीं ना कहीं उमेश पाल को ये हमेशा डर सताता था कि उसके साथ अनहोनी हो सकती है, उसके परिवार के साथ कुछ गलत हो सकता है। और इसीलिए इस दबाव से जब उसका अपहरण हुआ था तो उसने अतीक अहमद के पक्ष में बयान दिया था, और उस पर बाकायदा जब हॉस्टाइल हुआ था तो उसके साल भर के बाद उसने ये तथ्य सामने रखे, जब बसपा की सरकार बनी, मायावती मुख्यमंत्री बनी, तब उमेश पाल ने जो है ये तथ्य सामने रखे, FIR दर्ज करवाई कि उसका अपहरण हुआ था, उस पर दबाव बनाया गया था। रवीश, नजर बनाए रखिए, आप भी काफिले के साथ मौजूद है, अरविंद ओझा मेरे सहयोगी भी मौजूद है, लगातार जानकारी दे रहे हैं। अरविंद, गाड़ियों की तादाद काफिले में कम हुई है, बढ़ाई गई है, क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुछ पुलिस वालों को भी रिप्लेस किया गया है? क्योंकि बहुत लंबा ये सफर था, ऐसे में कईयों को एड करना या फिर हटाना ये इस काफिले का हिस्सा रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये एक्सचेंज है, और पूरी जैसा कि उन्होंने बताया पूरा ग्राउंड वर्क किया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने, और ग्राउंड वर्क के बाद ही गुपचुप तरीके से जब गुजरात पहुंची उसके बाद मीडिया को इस बारे में जानकारी मिली, तो पूरा ग्राउंड वर्क किया गया है। कुछ पुलिसकर्मी झांसी में उतारे गए हैं और 2 जेल वैन रखी गई है कि अगर एक जेल वैन खराब भी होती है तो दूसरी जेल वैन का इस्तेमाल किया जा सके, नंबर एक, और अगर दूसरा ड्राइवर थकता है तो दूसरे जेल वैन का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ अगर गाड़ी सुरक्षा कर्मियों में कटौती की बात की जाए तो बिल्कुल नहीं, सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में एंटर कर चुका है अतीक अहमद, और यूपी पुलिस ये जानती भी है, तो ऐसे में एडवांटेज यूपी पुलिस को ये मिल रहा है, पहले दूसरा स्टेट था, अब जो खुद कोऑर्डिनेशन है वो तमाम जो आसपास के जिले हैं, जिस जिले से भी गुजरता है ये काफिला, उस जिले के अधिकारियों को अलर्ट किया जाता है, उस जिले के पुलिसकर्मी वो सड़कों पर दिखाई देते हैं, उस रूट पर दिखाई देते हैं, जो रूट है उसको सैनिटाइज कर दिया जाता है, जो रूट है उसको क्लियर कर दिया जाता है, और उन सबके बीच जरा ये काफिला देखिए, लगातार जो गाड़ियां हैं वो वैन चल रही है, तमाम जो मीडिया कर्मी है उनकी भी गाड़ी चल रही है, और जब भी कमोबेश इस तरह का बड़ा माफिया वो अगर किसी दूसरे स्टेट से लाया जाता है,
चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, गाड़ियां मीडिया की जरूर लगती है और मीडिया फॉलो करती है। और फॉलो क्यों करती है मीडिया, क्योंकि विकास दुबे के दौरान जो हुआ था, जिस तरीके से बकायदा इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद से ही तमाम जो माफिया है वो अलर्ट हो गए, उनके परिवार अलर्ट हो गए। बिल्कुल, तो ये फिलहाल नेहा प्रयागराज के तरफ, अब आगे ये काफिला बढ़ रहा है।